टीम इंडिया के एक ऐसे शख्स जिन्होंने कई जीत दिलाई हैं भारतीय टीम को अपनी अगुवाई में, और नंबर वन कप्तान कहे जाते हैं उस वक्त विक्रांत। बिल्कुल, और कप्तान और कोच ने बड़ी संभली हुई, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं की। नहीं तो आमतौर पर होता ना, एक टेंडेंसी रहती है, एक आपको टेम्पटेशन रहती है कुछ बड़ी बात करने की, लेकिन विराट कोहली ने संभली संभली बात की। उन्होंने एक बात जरूर कही है कि मेरी टीम बैलेंस्ड है, और दूसरा ये कि आपने जो बायलैटरल सीरीज में क्रिकेट देखी और रन देखे, वर्ल्ड कप में उतने रन नहीं बने। मुझे लगा उन्होंने हमारा प्रोग्राम शायद पहले देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो मदन पाजी कह रहे थे बिल्कुल वही चीज उन्होंने बोली, इतने ज्यादा रन नहीं बनेंगे। जो वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है 260-270 भी विनिंग टोटल हो सकता है, कहीं ना कहीं उन्होंने मदन पाजी को सुना। इंग्लैंड में ऐसा होता है, दिखाई दिया है कई बार 260-270 पे भी आप जीते हैं। पर दो तीन बातें अच्छी की, आपका प्रोसेस ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं तो आपको आपके रिजल्ट आपके सामने आ जाए। इंटेंसिटी डेफिनेटली पहले मैच से आपका जो कहते हैं रहना चाहिए, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो एक रवि शास्त्री ने जो कहा 2014 से लेकर 2019 तक गैप जो है कम हो चुका हुआ है, सारी टीमें बाकी टीमों के अच्छी, अच्छी अच्छी हो चुकी है। अच्छा भाजू भाजी, ये बताइए कि दो चीजें जो मदन जी ने भी कहा, जो विराट ने कहा, रवि शास्त्री ने कहा, एक ये कि वर्ल्ड कप कभी ऐसा नहीं है कि आप गए 46 दिन में आप अच्छा खेल के जीत के आ गए। वो टीमें दरअसल वही जीतती हैं जो कंसिस्टेंट होती हैं और 46 दिनों में अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करती हैं। दूसरा, इसी सवाल का दूसरा हिस्सा कि भारत के पहले चारों मैच मुश्किल मैच हैं, तो मोमेंटम शुरू में कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत के पिछले 4 साल की तैयारी के लिहाज से आप भारत को कहां देखते हैं? देखिए, भारत एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये एक अच्छी बात है मेरे लिहाज से कि पहले जो मैच है हमारे वो बड़ी टीमों के साथ है, क्योंकि अगर आप के पहले छोटे मैच होंगे कहीं आप थोड़ा बहुत उसमें गलतियां करने की जो गुंजाइश होती है वो शायद कोई रिलैक्स भी हो सकता है, बट ये पहले जो 4 गेम है वो आप किसी भी तरीके से ये नहीं सोच सकते हो कि थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ या फिर फॉर्म बरकरार है या नहीं, तो आपको बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी, और पहले मैच हो जाएं तो उसका प्रेशर भी है जो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इनमें से एक दो मैच हार भी जाते हो तो पिछले वाले जो आपके जो इजी मैचेस हैं वो आप सब जीत सकते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे लिहाज से ये अच्छा हुआ है कि जो फॉर्मेट है कि पहले ही आपके जो ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच है, साउथ अफ्रीका के सामने मैच है, हालांकि साउथ अफ्रीका को मैं उतना अच्छा गिनता नहीं हूँ क्योंकि उनकी भी टीम उस वर्ज पे है कि जो नई टीम आई है तो कोई ऐसे बड़े खिलाड़ी नहीं है, तो ये बात अच्छी है भारत के दृष्टिकोण से कि उनके मैचेस जो हैं वो अच्छी टीमों के साथ हैं, और भारत इन सब में से बड़ी अच्छी टीम है। भारत को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना है, जैसे विराट ने भी कहा हमने अपने कैंपेनिंग को देखना कि हमने किस लिहाज की क्रिकेट खेलनी है, बजाय कि फोकस करना कि दूसरे कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की हमारी टीम है, अगर हम 70-75% भी अपनी जो कहते हैं क्षमता पे क्रिकेट खेलेंगे तो विल गेट द राइट रिजल्ट्स। दूसरी बात यह कि जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि फ्लैट पिचेस होंगी, जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि रन ज्यादा बनेंगे, टेम्पटेशन क्या होगी? आप 8 नंबर पर जडेजा को खिला के एक रिस्पिनर को खिलाएंगे, या फिर आप ये सोचेंगे नहीं फ्लैट पिचेस पर तो भी मुझे दोनों रिस्पिनर्स को खिलाना है, मैं कोशिश करूं 20 ओवर में इनके रन चले जाएं लेकिन 5 विकेटें तो मिले, तो आप दोनों रिस्पिनर्स कुलदीप और चहल को खिलाएंगे या एक प्लस एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा? नहीं देखिए, मैं अगर टीम का पार्ट होता या मैं मैनेजमेंट का पार्ट होता तो मैं दोनों जो रिस्पिनर्स को खिलाता, क्योंकि ये दोनों ने बहुत अच्छा किया है रिसेंट पास में, और ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो शायद एक आध मैच में इन दोनों में से किसी एक को रन जरूर पड़ जाएं, पर रन पड़ने के प्रोसेस में ये आपको विकेट लेके देंगे। ये दोनों जब दोनों छोरों से बॉलिंग करते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें दोनों स्पिनर्स के साथ खेलना चाहिए, जो दोनों रिस्पिनर्स हमारे पास हैं वो और किसी टीम के पास नहीं है, और यही सबसे बड़े जो हैं वो जीत के ना जो भारत को दावेदार बनाते हैं, क्योंकि ये बीच में आके विकेट लेते हैं और दूसरी टीमों के पास ऐसे बीच में कोई बॉलर नहीं है जो बीच में आके विकेट लेंगे, तो यहाँ पे भारत बाकी टीमों से आगे है, तो ये सोचना होगा कि आपको अपने बेस्ट 5 बॉलर खिलाने हैं, क्योंकि आपके पास बैटिंग बहुत अच्छी है, हार्दिक पांड्या फर्स्ट क्लास बैटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि 2 सीमर, 2 स्पिनर और हार्दिक पांड्या, ये सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बैठे थे स्टूडियो में, उन्होंने कहा कि हरभजन ने बहुत जल्दी क्रिकेट छोड़ दिए, वो आपकी आईपीएल की फॉर्म से बड़ा इंप्रेस्ड है, वो कह रहे हैं कि
आप भी शायद चले जाते, वैसे जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, नहीं क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, ऑफ स्पिनर चाहिए, तो आप मतलब नीली जर्सी साथ लेके जाना, बॉलिंग स्पाइक साथ लेके जाना, हालांकि आप कमेंट्री करने के लिए जा रहे हैं, जैकेट्स लेके जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट वाले कपड़े भी लेके जाना, निखिल का ये कहना। हरभजन, मेरा आपसे ये सवाल कि यहाँ पर जो कोच रवि शास्त्री, उन्होंने विराट कोहली के साथ साथ यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की पीठ थपथपाई, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई विकेट कीपर हो ही नहीं सकता, लेकिन बतौर एक पूर्व कप्तान किस तरह से विराट कोहली उनके एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे का इस्तेमाल करेंगे इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और वो चाहेंगे कि टीम इंडिया की जो ट्रॉफी है वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम करें। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से जो बड़ा दिमाग इस टीम में शायद किसी के पास नहीं है, वो इंडिया के जितने कप्तान हुए हैं उनमें से एक ये काफ़ी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मैं कहूँगा इनको, क्योंकि इन्होंने, इनको पहले तो टीम भी बड़ी अच्छी मिली थी, पर जब टीम ना मिली उसके बावजूद भी इन्होंने बड़ा अच्छा किया, और इतने एक्सपीरियंस है उनके पास, और वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं, और वो उस लिहाज से फील्ड लगाते हैं जिस लिहाज से आपको पता है कि कहाँ बॉलर्स की स्ट्रेंथ है। ख़राब बॉल के लिए आप फील्ड नहीं लगा सकते हो, आप अच्छे बॉल के लिए फील्ड लगाओ, तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का पार्ट शायद विराट कोहली से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, अगर वो जिस लिहाज से बैटिंग की अभी फॉर्म में थे, वो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, और विराट चाहे कप्तान हो बट मुझे लगता है कि विकेट के पीछे से जो वो आइडियाज़ या वो चीज़ें बताएंगे विराट को या बॉलर्स को जैसे मदद करते हैं, तो उनका रोल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है विराट से बड़ा रोल महेंद्र सिंह धोनी का है इस वर्ल्ड कप में, और वो भी चाहेंगे कि अगर वो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, शायद अगर उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है तो फिर वो जीत। जिस तरह से दोनों एक दूसरे को कंसल्ट करते रहते हैं बीच बीच में मैच के आते हैं, और वहाँ पर धोनी से टिप्स लेते हैं, पूछते हैं कि फील्डिंग प्लेसमेंट कहाँ पर होना है, कौन से गेंदबाज को लाना है, ये तमाम चीज़ें हम आपसे जानेंगे मदन जी। लेकिन इस बीच चहल जो है वो किस तरह से, कुलदीप यादव तो वो किस तरह से वर्ल्ड कप की टीम के लिए सिलेक्ट हुए, उसके बाद उनको लेकर कयास लगाए जाने लगे कि वो फिट नहीं है, लेकिन चहल के साथ गेंदबाजी पर वो क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। कुलदीप इस वक्त है हमारे साथ, और कुलदीप कल सुबह टीम के साथ 4 बजे फ्लाइट उड़ रही है, बाय द वे एमिरेट्स की फ्लाइट है सुबह 4 बजे, और आप जिन्होंने दुआएं भेजनी है टीम के लिए जल्दी से भेज दीजिए। लेकिन कुलदीप, चहल और आपकी जोड़ी, इस पर दारोमदार बहुत ज्यादा है, और अभी हरभजन कह रहे हैं कि आप दोनों को 11 में खेलना चाहिए अगर भारत ने जीतना है तो। बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि हम पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं, और हमने काफ़ी मैचेस जिताए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि मिडिल ओवर 50 ओवर्स में, तो 50 ओवर्स में मैंने, हम लोगों ने विकेट निकाले हैं, टीम को दिए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस फैंस की बहुत हैं, प्लस टीम का भी सपोर्ट बहुत अच्छा है, जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, सपोर्ट स्टाफ काफ़ी बैक करते हैं हम दोनों को, तो एक वो पॉजिटिव साइन है। कुलदीप, वैसे क्रिकेट जो है आजकल फेयर नहीं है, हर वर्ल्ड कप का अगर आप एवरेज स्कोर देखें तो हर वर्ल्ड कप में बेहतर हुआ है, लगता है कि इस बार तो ढेरों रन बढ़ेंगे, पहाड़ भी हो सकता है, आप लोग पिछले साल इंग्लैंड गए थे और कुलदीप ने बड़ा अच्छा गेंद भी किया था शुरू में, लेकिन इस बार तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत सही बोला, क्योंकि बहुत अच्छे बैटिंग विकेट इंग्लैंड में, और सही कहा है कि अगर विकेट, अगर थोड़ा सा अगर गर्मी नहीं हुई वहाँ पे तो बहुत रन पड़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अटैकिंग ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप अटैक करके विकेट निकालते हैं तो शायद हम रोक सकते हैं किसी भी टीम को 300 के अंदर बड़े स्कोर से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मिडिल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में। एक बार फिर से मदन जी के पास वापस लौटेंगे और एक बार फिर से वही सवाल आपसे दोहराएंगे मदन जी, कि कैसे इस बार यादगार होगा महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी वर्ल्ड कप, कैसे वो ये सुनिश्चित करेंगे कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी तस्वीरें अपने साथ वो लेकर जाएं, ताकि आगे आने वाले वक्त में वो इन तस्वीरों के साथ ही जी सके। उन्होंने तो कल बोल दिया कि मैं अब पेंटिंग करूंगा, उन्होंने अपना ही एक स्केच भी बनाया हुआ है। दैट मींस उसका मतलब है जब आप पेंटिंग करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ती है। नहीं, वो हो सकता है कि वो जो उन्होंने कहा एग्जीबिशन लगाऊंगा, जैसे नेहा ने कहा, वो हो सकता है कि लॉर्ड्स की बालकनी में 14 जुलाई को जब विराट के हाथ में वो वर्ल्ड कप होगा, शायद उसी की वो तस्वीर बना दे, या वो साथ खड़े हो उसकी तस्वीर बना ली। देखिए, MS धोनी जो है बहुत ही अहम खिलाड़ी है भारतीय टीम में, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस की बात जो कि हम हमेशा करते हैं, दूसरा जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करता है वो पोजीशन बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, उसमें मैच बनाना ये महेंद्र सिंह धोनी ही जानता है। और मैं देखना चाहूँगा, जो मेरे को थोड़ा सा विच मेरे बैक ऑफ माइंड जो मेरे को तो लगता है 280 तक तो MS धोनी का कोई चेज करना कोई प्रॉब्लम,
300 के ऊपर जाके चेंज करना वो कैसे करता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये जो पड़ाव है ना ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं बाद वाले, पर 280 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं सुनूंगा। और निखिल, आज इंग्लैंड को सब ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि शायद 2015 वर्ल्ड कप में जो फियास्को था उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अब उस अंदाज से क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। इंग्लैंड फियरलेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी टीम नहीं खिलाई, कभी एक बड़ा खिलाड़ी आराम दिया, कभी दूसरे बड़े खिलाड़ी को, वो रोटेट करते रहे, लेकिन जो आया वो ऐसा खेल रहा था जैसे मतलब पटाखे मार रहा था, जो किसी जमाने में आज से 15 साल पहले ऑस्ट्रेलिया करता था। क्या इंडिया फियरलेस क्रिकेट खेलने की काबिलियत रखता है, जो आज से 3 साल पहले शायद आपकी बैटिंग में वो चीज़ थी, क्या आज भी आपको फियरलेस बैटिंग दिख सकती है? अगर आप इंडियन बैटिंग विक्रांत इस वक्त देखें तो मदन जी ने बहुत सही कहा, 280 मुझे लगता है ये टीम कभी भी चेज़ करेगी, जब ये 300 साढ़े 300 के टोटल होंगे तब फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि नंबर 4 की आपने बात की, हम केएल राहुल के बारे में बात करें सब इससे सहमत है कि अच्छी टेक्निक है, तेज रन बनाते हैं, लेकिन नंबर 4 वाला बल्लेबाज युवराज सिंह खेलते थे नंबर 4 पर, चेज़ करता है टोटल, क्या केएल राहुल चेस कर सकते हैं? आज तक उन्होंने अपने करियर में किया नहीं है, वो हमेशा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रहे हैं, जब चेजिंग होती है आउट हो जाते हैं। चार नंबर पर खेलना इतना आसान भी बिल्कुल नहीं। तो वो एक समय था, और जैसे आपको पता मदन जी भी जानते हैं समय के साथ आप सीखते हैं चेस करना, तो मेरे को लगता है सिर्फ एक केदार यादव नजर आते हैं, एम एस धोनी नजर आते हैं जिन्होंने इससे पहले चेस किए हैं बड़े टोटल, शायद आगे चलकर इन पर ही दारो मदार है, उसके अलावा चाहे विजय शंकर हो केएल राहुल हो क्या वो चेस कर पाएंगे मुश्किल है, एमएस धोनी क्या 300 से प्लस चेस कर पाएंगे? अगर इस टीम में एक एक्स फैक्टर देखा जाए, मतलब एक्स फैक्टर हो सकता है कि ये नहीं कि बड़ा खिलाड़ी, एक्स फैक्टर मतलब जो कुछ ऐसा कर दे कि सारी टीम खड़ी हो जाए, एक एक्स फैक्टर अगर आप चुनते हैं इस भारतीय टीम में वो कौन हो सकता है? जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे एक्स फैक्टर हैं कि बैट देखिए ये मैचेस की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर रन बनेंगे, विकेट में अगर ज़्यादा हमने वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ी तो स्पिन नहीं होगा तो रन बनेंगे, बट अगर वहाँ पे मैचेस में आप विकेट नहीं लोगे ना तो चाहे आप 350 भी बना लोगे वो चेज हो जाएगा। तो वो एक आपके पास ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए कि जो विकेट लेके दे सके, और जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है, चाहे हम रबाडा की बात करें, डेल स्टेन की बात करें, जसप्रीत बुमराह उनसे आगे हैं, क्योंकि जो उनका एक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और कभी भी आके वो विकेट लेके देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे हुक्म के जसप्रीत बुमराह होंगे, और उसके साथ ये जो दोनों स्पिनर हैं ये अगर अच्छी बॉलिंग कर गए तो मुझे लगता है फिर किसी भी बड़ी टीम को हम 270 280 के ऊपर नहीं जाने देंगे। चलिए कल सुबह 4 बजे टीम भी यहां से जा रही है, कल हरभजन सिंह भी जा रहे हैं, और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आज तक और हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आपको खास क्या मिलना है इस वर्ल्ड कप में। सचिन तेंदुलकर वापस लौट रहे हैं टीवी में, वो इंग्लैंड से लाइव रहेंगे, मैचों का विश्लेषण करेंगे, हरभजन सिंह रहेंगे, सुनील गावस्कर रहेंगे, माइकल क्लार्क भी रहेंगे इंग्लैंड से, मदन जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, निखिल चोपड़ा यहाँ स्टूडियो से रहेंगे, इसके अलावा सलाम क्रिकेट जो कॉन्क्लेव है उसमें वसीम अक्रम, यूनुस खान, मिसबाह हक, विव रिचर्ड, शेन वॉन, नासिर हुसैन, रविचंद्रन अश्विन, ये सारे वर्ल्ड कप चैंपियंस आपको एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। और ना सिर्फ आज तक पर बल्कि अगर आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें तो मजा बड़ा आने वाला है। आज तक और स्पोर्ट्स तक के साथ ये वर्ल्ड कप का सफर इसी तरह चलेगा। सबसे दमदार पैनल आप देख सकते हैं सिर्फ आज तक पर, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से फिर से वही बात, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को, और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे क्या है विराट कोहली का विराट विजन, देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हमारे एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट का महामुकाबला वर्ल्ड कप जिसका आगाज 30 मई से होने वाला है, लेकिन आज 4 बजे टीम इंडिया की एमिरेट्स फ्लाइट से रवानगी होनी है, उससे पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कोच रवि शास्त्री भी मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, जिस तरह का बैलेंस वो टीम में चाहते थे उस तरह का बैलेंस टीम में मौजूद है, और जिस तरह से परफॉर्म टीम इंडिया इस बार करेगी उस पर भी विराट कोहली ने अपना आत्मविश्वास जताया। To any place in advance, and you're right. I mean, it does get rid of all the nerves that you have as a side going into a tournament like the World Cup, and that's the most important thing, I guess, because you know, white ball cricket playing in England, playing a ICC tournament, the conditions are not that different, or you know, that difficult, I would say, compared to Test cricket. So I think handling pressure is the most important thing in the World Cup, and not necessarily the conditions. So yeah, from that point of view, it will be very helpful. And secondly,
all the bowlers that are in the squad, even during the IPL, they were preparing themselves to be in the zone of playing 50 over cricket. And if you saw all the guys bowling, no one looked tired or fatigued after bowling 4 overs. They were very fresh. So the mindset or the ultimate goal at the back of their minds was always to be fit for the 50 over format and not necessarily let the fitness come down, and that was communicated before the IPL started. तो विराट कोहली ने कहा कि किस तरह से दबाव को हैंडल करती है टीम इंडिया, ये बेहद अहम होगा। हालांकि विक्रांत, यहाँ पर ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि विराट कोहली के एक्सप्रेशंस किस तरह से बदलते हैं दबाव में। हमने कई मैचेस में पहले देखा है। तकरीबन एक साल पहले टीम गई थी इंग्लैंड, इंग्लैंड दौरे के लिए, और वो ड्रेस रिहर्सल भी एक तरह से देखा गया था, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें विराट ने कहा था कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं और आई वॉन्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी इन माई मग। वो दौरा हमारे लिए डिजास्ट्रस था। विराट ने आज बड़ी संभली संभली बातें की हैं, उन्होंने को बड़ी बात नहीं की, और ये मुझे लगता है एक अच्छा इम्कान हो सकता है। फिलहाल निखिल आपका, मदन जी आपका, नेहा आपका और भज्जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में वक्त इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम वहां पर लाइव होंगे और आपके सवाल लिए जाएंगे। अभी तो यही से बात हो रही थी ना, अब आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपकी बात का जवाब, निखिल और मदन जी मेरे साथ रहेंगे। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को। अपनी मुलाकात अब वहीं पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।